में अनिका को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम से साफ होगी मौत की वजह। और लखनऊ के आशियाना इलाके की घटना है, मृतका के पिता एनआईए में आईजी के पद पर तैनात हैं। तो बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, क्या अपडेट मिल पाई है, क्या शुरुआती जांच में मौत का कारण स्पष्ट हुआ? अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम से ही मौत की वजह साफ होगी जैसा बताया जा रहा है। अनिका जो लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी आशियाना इलाके में एलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा थी, कल वो अपने हॉस्टल के रूम में थी, वहां पर उसकी कुछ तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उसको पास के एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज से पहले ही अस्पताल वालों ने उसको मृत बताकर उनका डेड बॉडी वापस कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम से साफ होगी मौत की वजह क्या है, ये बताया जा रहा है। अनिका के पिता एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आईजी के पद पर कार्यरत है, एक सीनियर आईपीएस अफसर है, लिहाजा मामला गंभीर हो जाता है। अभी लखनऊ पुलिस की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही शायद कोई वर्जन जारी हो सकता है। ऋषभमणि, लड़की बेहोश कहां पर हो गई थी, क्या हॉस्टल का ये पूरा मामला है या कॉलेज का है, अभी तक पुलिस के हाथ क्या सबूत लगे हैं, और साथ ही कुछ दोस्त भी होंगे, क्या आसपास के लोगों से पूछताछ की गई? जो बताया गया है वो यही कि कल रात को हॉस्टल में ही अनिका की तबीयत खराब हुई थी, ये बात अभी साफ नहीं हो पा रही है, कुछ खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब थी या मैस का खाना खाया या उसने कुछ अपना अलग से खाया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई, ये तमाम बातें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही तमाम बातें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार अनिका की मौत की वजह क्या है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। ठीक, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभमणि आपका। और ग्रेटर नोएडा में कार में भीषण आग लग गई। आग